दांतों और मसूड़ों का दर्द कई बार सहनीय हो जाता है, जिसके बाद दर्द के कारण हमारा खाना पीना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे हालत में अक्सर कई लोग दांतों की समस्याओं को गंभीरता से न लेते हुए घरेलू इलाज का सहारा ले लेते हैं, या फिर पेन किलर खाकर कुछ घंटों के लिए दांत दर्द से राहत पाकर शांत हो जाते हैं। लेकिन क्या इससे दांतों की समस्याओं से परमानेंट राहत मिलती है? जवाब है नहीं। कुछ लोग दांतों के इलाज में आने वाले खर्च को लेकर इस कदर चिंतित रहते हैं कि वे इलाज तक करवाना जायज नहीं समझते, जिसके बाद दांतों की समस्या और भी गंभीर हो जाती है और आखिरकार उन्हें दांत निकलवाना पड़ जाता है। अगर आप भी इसी तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं और अब भी कश्मकश में हैं और मुंबई से सटे नाला सुपारा इलाके में रहते हैं, तो चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। इनसे मिलिए। ये है नाला सुपारा के उस्तवाल डेंटल क्लिनिक के संचालक और डेंटिस्ट डॉक्टर दीपक यादव और डॉक्टर श्रावण कुमार। उस्तवाल डेंटल क्लिनिक की खास बात यह है कि यहाँ पर आप कम बजट में अपना इलाज करा सकते हैं। दांत निकलवाना हो, परमानेंट दांत लगवाना हो, रूट कनाल ट्रीटमेंट करवाना हो, दांतों की खूबसूरती को निखारना हो, दांतों और मसूड़ों की सर्जरी हो, और वो भी कम से कम खर्च में, तो इन तमाम चिंताओं का एक ही समाधान है, नाला सुपारा पूर्व में स्थित उस्तवाल डेंटल क्लिनिक। आइए सुनते हैं युवा डॉक्टर दीपक यादव को और जानते हैं कि उनके क्लिनिक में दांतों से जुड़ी किन किन समस्याओं का उपचार किया जाता है। 8 महीने से मैं यहाँ पे उस्तवाल नगरी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, अमीर भी होते हैं, गरीब भी हैं, मिडिल क्लास भी है। अमीर तो अपना ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं करा लेंगे अच्छे जगह पे पैसे देके, और मिडिल क्लास भी अफोर्ड कर सकते हैं। जो गरीब रहते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनका ट्रीटमेंट यहाँ पे सस्ता भी होता है और अच्छा भी होता है। हमारे यहाँ पे बच्चे के डॉक्टर जो आते हैं, डॉक्टर श्रवण यादव, उनका भी सुविधा उपलब्ध है हमारे यहाँ पे। जो बच्चे के ट्रीटमेंट होते हैं वो भी प्रॉपर किया जाता है, और जो दांतों में तार लगाते हैं जिसको बोलते हैं ब्रेसेस लगाते हैं, वो भी हमारे यहाँ पे मिनिमम टू मिनिमम रेट में होता है। उनका करने के लिए हमारे पास डॉक्टर वाकी सिद्धे कर सर करके आते हैं, वो भी हर जगह जाते हैं, मीरा रोड में, वसई, नाईगांव, सब हर जगह वो भी कंसल्टेंट जाते हैं। तो यहाँ पे क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, इम्प्लांट भी प्रॉपर होता है यहाँ पे, सर्जरीज भी होती हैं, दांत जो अकल दांत होते हैं वो भी निकाला जाते हैं प्रॉपर यहाँ पे। सब मतलब सब सुविधा जो होते हैं मिनिमम टू मिनिमम रेट में अच्छा से अच्छा काम किया जाता है। और जो भी जिसका भी सर्जरीज हुई है, जिसका भी हमने ट्रीटमेंट किया है, जो भी पेशेंट आए हैं, तो उनका हम ट्रीटमेंट के 1 महीने बाद, 5 दिन बाद, या डिपेंड करता है पेशेंट के दर्द के ऊपर, हम उनको फॉलोअप करते हैं। ऐसे नहीं कि हम आप पेशेंट का ट्रीटमेंट किए तुरंत छोड़ दिए, हाँ पेशेंट खुद आएगा तो हम बोलेंगे, नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ पे हम खुद से कॉल करते हैं पेशेंट को, इनको पूछते हैं इनको तकलीफ कैसा है, उनका दर्द कैसा है, तो उनसे आराम होने से हमको सेटिस्फेक्शन मिलती है, हमको खुशी मिलती है कि उनके चेहरे पर मुस्कान आए, और फिर हम प्रॉपर उनका अगली बार जब आए तो उनका और दांतों का या जो भी समस्या रहेगा हम उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं मरीजों को जिन्होंने अपनी दांतों से जुड़ी समस्याओं का इलाज उस्तवाल डेंटल क्लिनिक में करवाया, और इलाज और इलाज से जुड़े खर्च को लेकर उनका क्या कहना है। मेरे दांतों में बहुत दर्द हुआ था, तो फिर मैं इधर डॉक्टर यादव के पास आई। अभी मेरे दोनों दांत में उन्होंने कैप लगाया, आज मेरे दांत में बिल्कुल भी दर्द नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे दांत का ट्रीटमेंट किया, उन्होंने इतना अच्छे से ट्रीटमेंट किया कि मेरा दांत अभी दर्द नहीं कर रहा है। उन्होंने अच्छे से दोनों भी दांत का कैप लगाया, अभी एक भी दांत का दर्द नहीं हो रहा है, इसकी वजह से मैं बहुत खुश हुआ। मैं वसई से आई हूँ यहाँ पे दीपक यादव डॉक्टर के पास। मैंने यहाँ पे मेरे 4 दांत खराब थे, जिस प्राइस में मैंने 1 दांत का ठीक कराना था वो मैंने 4 दांत यहाँ पे आके ठीक कराए। यहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता है। माझे दांत दुखत होते म्हणून मी इथे हॉस्पिटल मध्ये आले, डॉक्टर दीपक यांच्याकडे, त्यांनी माझ्या दातांवरती चांगले इलाज केला। आता माझे दात ठीक आहेत, मला ते फोन करून विचारतात दात कसे आहेत, मी बोलली आता बरे आहेत, पण ते चांगले उपचार करतात, मला जास्त वाट बघायला होत नाही, आता मला बरं वाटतंय पहिल्यापेक्षा, आता माझे दात ठीक आहेत। मी गावात आई थी यहाँ पे इलाज कराने के लिए, अभी मेरा दांत ठीक हो गया डॉक्टर दीपक यहाँ से ट्रीटमेंट करने के बाद, अभी एकदम सही है। उस्तवाल डेंटल क्लिनिक में 6 महीनों से 12 साल के बच्चों के दांतों के इलाज के लिए डॉक्टर श्रावण कुमार मौजूद रहते हैं।
जिसके चलते लोगों को अक्सर लंबी देर तक क्लिनिक में बैठकर इंतजार नहीं करना पड़ता। मैं एज ए पीडियाट्रिक डेंटिस्ट हूँ, मैं यहाँ पे एज ए पीडियाट्रिक डेंटिस्ट कंसल्टेंट हूँ। मैं यहाँ पे और भी बहुत सारे क्लिनिक पे एज ए कंसल्टेंट जाता हूँ। मैं 6 महीने से 12 साल के बच्चों का दांतों का इलाज करता हूँ। सब बोलते हैं कि बच्चों का दांत इम्पोर्टेंट नहीं है, बट बच्चों का दांत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उनमें सड़न लगने से उनको दर्द या फिर इन्फेक्शन हो सकता है और उनके ओवरऑल ग्रोथ फिजिकल एज वेल डेंटल में प्रॉब्लम आ सकता है। उनका जबड़ा का ग्रोथ सब बच्चों का दांतों से कनेक्टेड रहता है। सो बच्चों का दांत का बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उनका सही टाइम पर इलाज कराना बहुत ही जरूरी है। कई दिवसपूर्वी याचे दोन्ही दातांचा प्रॉब्लेम होते, ॲक्च्युली दाढेचे। तर इकडे आल्यानंतर डॉक्टर दीपक आहेत, त्यांनी मला सांगितलं की यांचे दोन्ही दात किडलेले आहेत, ते तुम्हाला हे करावं लागतील। तर मी सरांना बोललो की सर हे खूप लहान आहे, तर तुम्ही ट्रीट कसं करणार, कारण की खूप प्रॉब्लेम होतं लहान मुलांना ट्रीट करायला, म्हणजे खूप रडतात वगैरे त्यामुळे। तर त्यांनी आम्हाला सजेस्ट केलं की आमचे डॉक्टर श्रवण करून आहेत, त्यांना त्यांनी आम्हाला सजेस्ट केलं, मग आणि त्यांना घेऊन आले सजेस्ट। मग नंतर त्यांना घेऊन आल्यानंतर त्यांनी जेव्हा ट्रीटमेंट सुरू केली डॉक्टर श्रवण यांनी, ते इतकं अत्यंत चांगल्या पद्धतीने त्यांनी केलं की अजिबात आतापर्यंत प्रॉब्लेम नाही। आता 2-3 आमच्या 3 व्हिजिट झालेल्या आहेत, त्यांचे दात इतके सुंदर, म्हणजे इतक्या चांगल्यारीत्या केलं आहे की लहान मुलगा ट्रीट होण्यासाठी खूप प्रॉब्लेम असतो, पण तरीसुद्धा त्यांनी इतकं चांगलं केलं की त्याला काही प्रॉब्लेम नाही झाला आणि एक एकदम चांगला आनंद त्यांनी केलाय। हम आपको बता दे की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में लगभग 95% भारतीयों को मसूड़ों की बीमारी है और 15 साल से कम उम्र के 70% बच्चों के दांत खराब हो चुके हैं। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि हम दांतों की समस्याओं को टालने और उनका घरगुती इलाज करने के बजाय समय रहते डॉक्टर दीपक यादव और डॉक्टर श्रावण कुमार जैसे डेंटिस्ट से अपना इलाज करवाएं।